हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल गाइडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे हम अपने सिस्टम को सीडी ड्राइव के द्वारा कैसे बूट कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में जो डीवीडी राइटर लगा होता है, डीवीडी ड्राइव, उसको हम कैसे बूटेबल बनाएंगे ताकि हम अपने सिस्टम पर विंडो इंस्टॉल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीवीडी ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए मैं अपने सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ। इस सिस्टम को मैं शट डाउन कर देता हूँ। यहाँ से मैं शट डाउन कर दिया है मैंने इसको। ये शट डाउन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको दोबारा ओपन करेंगे, ऑन करेंगे। अब हम इसको दोबारा ऑन करेंगे। तो इसको हमने ऑन किया। अब उसके बाद हम अपने जो सिस्टम पर बायस सेटिंग ओपन करने के लिए डिलीट का बटन दबाएंगे, क्योंकि हमारे में डिलीट से बायस ओपन होती है। तो हम यहाँ डिलीट का की यहाँ पर प्रेस कर दी है। तो यहाँ पर यह हमारे सामने बायस सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो अब इसके बाद हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम पर जो डीवीडी ड्राइव है वो डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर देखिए आईडी चैनल टू मास्टर में हमें ATAPI लिखा हुआ है। ये ATAPI लिखा हुआ है। तो ये हमारे सीडी ड्राइव है। देखिए डिटेक्ट हो रही है। मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये डिटेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट हो चुकी है। और ये नीचे हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है। देखिए 1000 GB की हमारी हार्ड डिस्क है। तो हम इसको वापस से बैक करते हैं। एस्केप की प्रेस करना है। एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। उसके बाद हमें और बैक जाना है। उसके बाद हमें एडवांस बायोस फीचर्स का ऑप्शन मिलता है जो सेकंड नंबर पर। तो हमें इस पर एंटर करना है। सेलेक्ट करके एंटर किया। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर हमारे पास हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी लिखा हुआ है। तो हमें इस पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ से देखिए हमारी जो हार्ड डिस्क है, यहाँ से हम हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से सीडी रोम बूट प्रायोरिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी सीडी ड्राइव को। तो हम बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट बूट डिवाइस। तो यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क सेलेक्ट है। तो हमें इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें इसमें कुछ और ऑप्शन यहाँ दिखाई दे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर सीडी रोम को सेलेक्ट कर लेना है। हमें फर्स्ट बूट डिवाइस के लिए सीडी रोम को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम सीडी रोम से ही विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी रोम आ चुकी है। अब सेकंड बूट डिवाइस जो दिखा रहा है सीडी रोम, हम उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम हार्ड डिस्क कर देंगे। तो इस पर एंटर करेंगे और यहाँ से हम हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। देन उसके बाद हम सेव करेंगे। तो F10 की दबाएंगे और यहाँ पर वाई आ रहा है। तो वाई वाई पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ से ये हमारी सीडी ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। फर्स्ट बूट डिवाइस हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ पर ये सीडी ड्राइव से देखिए बूट फ्रॉम सीडी से हो रहा है। अब यहाँ पर हम कोई की दबाते हैं तो ये देखिए हमारी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम पर सीडी ड्राइव को फर्स्ट बूट डिवाइस बना सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास कोई सीडी ड्राइव है तो इस तरह से हम उसको बूटेबल बना सकते हैं फर्स्ट बूट ड्राइव सेलेक्ट करके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।